हेलो बडीज, आज हम बात करेंगे बिहाइंड द सीन्स के बारे में। मतलब जैसे आप एक सी प्रोग्राम लिखते हो या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखते हो और उसको रन करते हो तो आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। लेकिन उस आउटपुट के आने से पहले क्या क्या प्रोसेस से वो प्रोग्राम गुजरा उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे आपने मूवीज़ देखी होंगी तो जो मूवी आपके थिएटर में लॉन्च होती है उसको बनने से पहले क्या क्या चीज़ें हुई वो रहता है बिहाइंड द सीन्स में, तो वो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे मूवी तो आपको पता ही है, जो अपन का आउटपुट आता है वो एक तरह से मूवी मान सकते हो आप कि ये पूरी मूवी है, लेकिन वो मूवी बनी कैसे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो बट जैसे मूवी बनती है उसमें स्टेप्स होती है, पहले ये होता है वो होता है ये होता है वो होता है, ऐसे ही जैसे प्रोग्राम जब रन होता है तो उसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। जैसे पहले स्टेप का नाम है प्री प्रोसेसिंग, सेकंड स्टेप है कंपाइलिंग, थर्ड है असेंबलिंग और फोर्थ है लिंकिंग, ठीक है। इनमें चार अपने को जो है सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपन, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर। अपन जिस फाइल में कोडिंग करते हैं वो होती है सोर्स फाइल .c। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि पबजी मैंने लिखा हुआ है तो इसलिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा पबजी गेम का, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। मतलब जो आप पबजी अपने मोबाइल में खेलते हो वो खेलते हो आप ये फाइल को, मतलब pubg.exe या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल उस ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम के हिसाब से। लेकिन वो बनने में किन किन प्रोसेस से गुजरी, अगर वो सी या सी प्लस प्लस में बनी होती तो किन किन प्रोसेस से गुजरती, वो आज अपन देखेंगे। तो चलो इन सभी प्रोसेस को एक एक करके अपन बात करते हैं। तो बट इस पहली प्रोसेस है प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। इस फाइल का नाम है अपना सोर्स कोड या सोर्स फाइल, ठीक है। और इस फाइल को बोलेंगे अपन एक्सपेंडेड सोर्स कोड, इसका एक्सटेंशन याद रखना आप। ये फाइल अपन बनाते हैं .c या .cpp एक्सटेंशन में, और इस ये फाइल जो है प्री प्रोसेसर जो कन्वर्ट करके बनाता है वो बनाता है .i एक्सटेंशन में, ठीक है। इस फाइल में लिखा होता है अपना कोड जो कि अपन लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, जो भी और भी कोड लिखते हैं अपन, इंटीजर मेन, printf, scanf, cout, sin, whatever, वो सब लिखते हैं अपन कौन सी फाइल में, सोर्स कोड में या सोर्स कोड फाइल में, .c या .cpp लैंग्वेज में अपन लिखते हैं। अब प्री प्रोसेसर का काम क्या है, ये जो आपको स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं हैश से, ठीक है, इनको हैंडल करने का काम होता है प्री प्रोसेसर का। जहाँ भी कोई स्टेटमेंट हैश से स्टार्ट होता है वहाँ काम चालू होता है प्री प्रोसेसर का। प्री प्रोसेसर क्या करता है, हैश के आगे जो कमांड लिखी होती है इसको एग्जीक्यूट करता है। अब अगर इंक्लूड कमांड की बात करें, जैसे उस और भी कमांड होती हैं प्री प्रोसेसर के लिए, अपन अभी यहाँ पे इंक्लूड के बारे में बात करने वाले हैं। तो हैश इंक्लूड, इंक्लूड कमांड का मतलब क्या है कि जो stdio.h या फिर कोई भी हेडर फाइल लिखी है जैसे conio.h, iostream, तो इस फाइल में जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसको कॉपी कर देता है प्री प्रोसेसर इस फाइल में, मतलब .i फाइल में। जो ये रेस्ट ऑफ द कोड होता है, मतलब इंटीजर मेन, printf और जो भी कुछ अपन फंक्शन वगैरह बनाते हैं वो सब तो इस फाइल में सेम टू सेम ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जो ये कंप्रेस्ड कोड है, मतलब इसका नाम एक्सपेंडेड कोड इसीलिए है कि ये जो stdio.h ये जो कंप्रेस्ड कोड है, मतलब आपको पता है कि हेडर फाइल्स में जो कोड होता है वो कंप्रेस होता है, मतलब इसमें सभी फंक्शन का डिक्लेरेशन है, printf क्या कैसा है, मतलब उसका डिक्लेरेशन किसमें है, stdio.h में है, getsh का डिक्लेरेशन conio.h में है। तो ये फाइल में प्री प्रोसेसर क्या करता है कि इन सभी को ओपन कर देता है, मतलब printf को जो है डिक्लेरेशन उसका ओपन करके रख देगा, getsh का ओपन करके रख देगा, ठीक है, iostream में sin, cout उनके जो डिक्लेरेशन है वो ओपन करके यहाँ पे रख देता है, और जो अपना बचा हुआ कोड होता है वो सब तो वैसा ही रहता है। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हो कि प्री प्रोसेसर का काम क्या है कि जो भी हैश से चालू होने वाले स्टेटमेंट्स हैं उनको संभालता है कौन, प्री प्रोसेसर। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें जो कि है अपनी कंपाइलिंग, तो उसमें क्या होता है, जो pubg.i एक्सपेंडेड सोर्स कोड है अपना वो कन्वर्ट हो जाता है pubg.s में, मतलब ऐसी कोई फाइल जो कि असेंबलर समझ सके, ठीक है। इसके अगली स्टेप क्या होने वाली है, असेंबलिंग। तो असेंबलर को समझ में आना चाहिए वो लैंग्वेज जो भी ये यहाँ पे लिखता है, तो ये फाइल कन्वर्ट हो जाती है काई में असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, जो कि असेंबलर इसको समझ के उसका अगला काम कर पाएगा। अगर अगली स्टेप की बात करें तो वो होगी असेंबलिंग। उसमें क्या होगा, असेंबलर क्या करेगा, ये लैंग्वेज असेंबलर को समझ में आती है, फाइल दैट कैन असेंबलर कैन अंडरस्टैंड, तो ठीक है ये फाइल उस किसने बनाई, कंपाइलर ने। तो असेंबलर क्या करेगा, इस जो कोड है इसको कन्वर्ट कर देगा इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसर, मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन में बदल देगा जो कि प्रोसेसर समझ पाए। अब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने कुछ क्यों नहीं लिखा है, जैसे हर फाइल में मैंने कुछ ना कुछ तो लिखा है, तो इसलिए कि इस फाइल में जो कंटेंट बनता है वो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसा कंटेंट होता है, ठीक है।
ये एक ऑब्जेक्ट फाइल है मेंडोटो। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो है ऑब्जेक्ट जो फाइल है ये बनती कैसी है, मतलब इसमें किस टाइप का कोड रहता है, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है इसमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये फाइल मैंने गूगल से डाउनलोड की है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऑब्जेक्ट फाइल ऐसे ही बने। अगर आप बड़े प्रोग्राम बनाते हो तो ऑब्जेक्ट फाइल बड़ी भी बन सकती है। ठीक है, और लास्ट प्रोसेस की बात करें जो कि है लिंकिंग, तो उसमें क्या होता है pubg.o ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है, अब आप यहाँ पे मत पूछना कि मैंने यहाँ पे क्यों कुछ नहीं लिखा, ठीक है आपको पता ही है। तो लिंकर क्या करता है, उस फाइल को लिंक कर देता है लाइब्रेरी फाइल से और बना देता है exe फाइल। ठीक है, जो कि होती है बाइनरी टाइप की फाइल होती है, जो कि अपना प्रोसेसर समझ पाता है। ठीक है, आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि ऑब्जेक्ट फाइल कन्वर्ट हो गई exe फाइल में। लिंकर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करना लाइब्रेरी फाइल से और उसके बाद बनाना pubg.exe या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, अब जिनको नहीं पता कि लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था आपको, जो कि हेडर फाइल वाली वीडियो थी, उसमें बताया था कि हेडर फाइल्स अलग होती हैं, लाइब्रेरी फाइल्स अलग होती हैं। हेडर फाइल्स में जो फंक्शंस होते हैं उनके डिक्लेरेशंस मौजूद होते हैं, जैसे printf है, scanf है, getch है, जो भी ये फंक्शंस हैं ये इनके डिक्लेरेशन कहाँ मौजूद हैं, हेडर फाइल्स में। अपन को डिक्लेरेशन क्यों चाहिए, क्योंकि ताकि प्रोग्राम को समझ में आ पाए कि ये जो आपने वर्ड लिखा है getch या printf लिखा है ये डिक्लेयर कहाँ हुआ है, मतलब इसकी ये जो है कहाँ यहाँ पे। तो आप क्या करते हो, हेडर फाइल इंक्लूड करते हो। ठीक है, अब केवल हेडर फाइल इंक्लूड करना इनफ नहीं होता है, उसकी फंक्शनैलिटी भी अपन को चाहिए होती है, जो कि होती है काई में लाइब्रेरी फाइल्स में। लाइब्रेरी फाइल्स में क्या होता है, जो फंक्शंस होते हैं जैसे printf या scanf, इनकी एक्चुअल कोडिंग लिखी होती है, मतलब ये काम कैसे करते हैं वो काई में लिखा होता है हेडर लाइब्रेरी फाइल्स में। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट फाइल अपन इतने मेहनत से बना के लाए, कंपाइल किया, जो अपन ने असेंबलर ने काम किया, उसके बाद सभी ने काम किया और ऑब्जेक्ट फाइल बनी। ठीक है, तो इसको और जो लाइब्रेरी फाइल्स होती है उसके कोड को लिंक करके बना देता है नई फाइल जो कि होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो काम कौन करता है, लिंक कर। ठीक है, तो ये इस तरह से लास्ट में बनता है अपना सॉफ्टवेयर। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने लिखा है ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल्स। ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल्स का मतलब ये है कि आप एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा सी या सी प्लस प्लस फाइल भी बना सकते हो। ठीक है, तो जितनी सी या सी प्लस प्लस फाइल बनाओगे आप उतनी ही ऑब्जेक्ट फाइल भी बनेंगी। जैसे आपने 10 सी फाइल बनाई, ठीक है, डॉट सी फाइल बनाई, तो आपके आपको 10 ओबीजे फाइल भी बनेंगी या ओ फाइल भी, डॉट ओ फाइल भी बनेंगी। तो उन सबको लिंक करके लिंक कर देता है जो लिंकर है, उन सबको लिंक कर देता है लाइब्रेरी फाइल से और नई फाइल बनाता है जो कि होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये लाइब्रेरी फाइल्स जो है ऑब्जेक्ट फाइल से लिंक कैसे हो सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल में जो कोड है वो तो अलग टाइप का है और लाइब्रेरी फाइल्स में तो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो ऐसा कैसे। तो लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, लाइब्रेरी फाइल्स ऑलरेडी कंपाइल्ड होती हैं, मतलब ये जो अपन इतने सिस्टम से अपन इसको गुजार के लाए, जैसे ऑब्जेक्ट फाइल कितनी मेहनत से बनी, कंपाइल किया, जो असेंबलर ने काम किया, प्रीप्रोसेसर ने ऑलरेडी काम किया था, इतनी मेहनत से ऑब्जेक्ट फाइल बनी। तो लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती है, ऑलरेडी कंपाइल्ड होती है, मतलब ऑब्जेक्ट फाइल ये जिस टाइप का कंटेंट है इसमें लाइब्रेरी फाइल्स में ऑलरेडी उस टाइप का ही कंटेंट होता है, तो इसलिए इनकी लिंकिंग पॉसिबल हो पाती है और इस तरह बनता है अपना सॉफ्टवेयर, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, अगर वो सी या सी प्लस प्लस जो है लैंग्वेज में बनी हो। तो ये मैंने बताया आपको बिहाइंड द सीन्स ले जाके कि जैसे आप एक प्रोग्राम लिखते हो और रन करते हो तो एग्जीक्यूट होके आ जाता है आंसर। ठीक है, जैसे 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाया आपने, तो आप उसको लिखते हो, रन करते हो, 2 नंबर इंटर करते हो और वो एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन उसके पहले क्या क्या प्रोसेस होती हैं वो मैंने आज आपको बताई। जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम में गलती कर देते हो तो वो इन प्रोसेस में ही कहीं गलती होती है, जैसे कहीं लिंकिंग एरर हो सकती है, या फिर कहीं पे कंपाइलेशन एरर हो सकती है, या फिर प्री प्रोसेसर में दिक्कत हो सकती है, क्या पता प्री प्रोसेसर उसको जो है कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा हो, हेडर फाइल आपने कुछ गलत लिख दी, नाम गलत लिख दिया, stdio.h की जगह कुछ अलग लिख दिया तो प्री प्रोसेसर वहीं से गलत कर देगा। तो इस तरह से एरर इन प्रोसेस के बीच में आती है, लास्ट में आपको बना के देता है exe फाइल। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे को बता सकते हो कि हाँ हम इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखे, और अगर कोई आपको डाउट आता है किसी चीज़ में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।